आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। समापन भाषण के लिए हमारे श्री बीके सिंह जी, सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, सुधीजन, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या है और आप भी जानते हैं कि मेरे मन में क्या है, क्योंकि हमारे संचालक महोदय ने एक उदाहरण दिया था आत्म प्रकाश शुक्ल का, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे। आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि हम उड़ने वाले नहीं हैं, परिंदे नहीं हैं, इसलिए मैं सिर्फ जो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि 16 से लेकर 19 तक कुछ चीज़ें हमने हासिल की हैं। पहला, सजल को स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय तौर पर और रचनाकारों के तौर पर एक विस्तार और सजल की रचनाओं का प्रकाशन, पहला जो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है वो ये। दूसरा उद्देश्य जो पूरा हुआ है, हिंदी के जो सशक्त हस्ताक्षर हैं उन्होंने हमारे मंच को शेयर किया है और हमारी सजल विधा को स्वीकार किया है और सजल के लिए कार्य करने के लिए अपनी अनुमति, अपना सहयोग प्रदान किया है। ये दो चीज़ें 16 से लेकर के 19 तक उभर कर आई हैं। आज की जो गोष्ठी हुई उसमें कुछ परिचयें हुई। हमारे सामने जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो ये है कि जो हमसे पहले गज़ल को लिखे और उन्होंने अलग अलग नाम दिए, ऐसे उन कवियों के जो रचनाएं हैं उन रचनाओं की समीक्षा कर हम उसे सजल के रूप में किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं, उस परंपरा को इस सजल की परंपरा से जोड़ने का प्रयास करें, उनकी रचनाओं की समीक्षा करके और इन मानदंडों को के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए अगर हम ये तीनों काम एक साथ करते रहेंगे तो हमें ये विश्वास है कि हमारे जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। मैं इस महाविद्यालय की प्राचार्य, प्रबंध तंत्र, यहाँ के कर्मचारियों को, मथुरा के जो भी हमारे सभी साथी जन जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, हमारे जो अतिथि पूरे भारतवर्ष से आए मीडियाकर्मी और विशेष तौर से हमारे मेहमान जिन्होंने ये मंच शेयर किया, मैं नाम लेकर के नहीं कहूँगा, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस काव्य गोष्ठी के समापन की घोषणा करता हूँ इस उम्मीद और संकल्प और शुभकामनाओं के साथ कि हम पुनः शीघ्र मिलेंगे। सिर्फ एक संदेश मैं काव्य पाठ में जो काव्य पढ़ते हैं उनको देना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम पहले से 2-3 महीने पहले से पता होता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, उसी रचना को पढ़ें, कैजुअली आकर के रचना न पढ़ें। दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग चेहरे अब अजनबी नहीं रहे हैं और हर प्रोग्राम में होते हैं, तो अगर आपने वो रचना पहले पढ़ दी है तो पुनः उसको दोबारा पढ़ने का प्रयास न करें। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय हिंदी, जय सजल। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन,
भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।